अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 पर भोलेनाथ का हाथ। फिल्म का बंटाधार आ गया दर्शकों का फैसला। जी हाँ, 11 अगस्त को इस साल की दो सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के बीच कड़ी टक्कर हुई। अक्षय कुमार की फिल्म को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार यानी आज ये फिल्म ऑडियंस के हवाले हो चुकी है। अब गदर 2 के साथ क्लैश हुई इस फिल्म पर भोलेनाथ की कृपा हुई है या नहीं, चलिए जानते हैं। नमस्कार, फिल्मी संवाद में आप सभी का स्वागत है। कई बाधाओं को पार करने के बाद फाइनली बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 सिनेमा घर में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल के एक्शन ड्रामा फिल्म गदर 2 से टकराई है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर सोशल ड्रामा फिल्म को टीजर रिलीज के बाद से ही कई विवादों का सामना करना पड़ा था। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एक सर्टिफिकेट देकर पास किया। इतना ही नहीं, फिल्म को जैन के महाकाल मंदिरों के पुजारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। ओ माय गॉड 2 की एडवांस बुकिंग भी धस गई। अब ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के हवाले हो गई है। तो चलिए जानते हैं लोगों को कैसी लग रही अक्षय कुमार की ये फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए यूजर ने लिखा, ओ माय गॉड 2 बहुत ही शानदार फिल्म है। एडल्ट एजुकेशन के मुद्दे को इससे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और एंटरटेनिंग तरीके से कोई बता ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। पंकज त्रिपाठी की प्रतिभाशाली परफॉर्मेंस से और अक्षय और यामी गौतम बहुत ही शानदार है। दूसरे यूजर ने लिखा, ओ माय गॉड 2 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है, इसे मिस मत कीजिएगा। आपको बता दें कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अब तक 45,000 के करीब टिकट बिकी थी, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले दिन फिल्म 5 से 7 करोड़ तक बिजनेस करेगी। क्या आपने देखी ओ माय गॉड 2? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।